वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जी रानी, मैं आपसे ये कहना पूछना चाहती हूँ, आप काफ़ी लकी है कि आपके लाइफ में सरोज आए हैं। मैं सबसे पहले आपकी स्टोरी जानना चाहूँगी कि कैसे आप पर एसिड अटैक हुआ, और उसके बाद ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपके और सरोज के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मेरे ऊपर जब एसिड अटैक हुआ था वो 2009 में हुआ था। उस टाइम मैं 16 साल की थी। जिसने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया था वो एक पैरामिलिट्री सोल्डर ने किया था। जिस टाइम मैं उस टाइम 12th में स्टडी कर रही थी 2009 में, तो हमारे कॉलेज के पास एक पैरामिलिट्री ग्रुप आए हुए थे, तो उनमें से एक लड़का था 28 साल का। तो उसने वहीं से देख के मुझे, उसको मतलब मेरे लिए प्यार आ गई, तो उसने शादी करना चाहा मेरे से। तो मेरी फैमिली वालों ने मना किया कि इतनी छोटी है कभी शादी नहीं कर सकते। उसने पहले फैमिली को प्रपोजल दिया था। जब तमाम कोशिश की उन्होंने मुझे पाने की, मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, जब सारा चीज उन्होंने ट्राई कर ली, जब नाकाम रहा, उन्होंने मुझे एसिड थ्रो किया था। आपकी सरोज से मुलाकात कब हुई? सरोज से मुलाकात मेरा इस सिचुएशन में हुई थी कि 2009 में जब अटैक हुआ था तो मेरा बर्थडे 80% बॉर्न हो गया था। मैं 2009 से 2014 तक कोमा स्टेज में थी, मतलब पैरालाइज स्टेज में थी, क्योंकि इतना इंजर्ड थी मेरी बॉडी। तो क्या हुआ था कि दोनों आंखों से मेरा आंख निकल आया था और मैं उसे बोल पा रही थी, लेकिन मेरी बॉडी का कुछ भी पार्ट और कट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत शॉक लगा था। और एसिड इंजर्ड के कारण मेरी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो गई थी। तो 5 साल में बेड पे पड़ी रही। 2014 में मेरा एक प्राइवेट फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब हाथ पाओ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने लगा, तो मेरे को उस कॉलेज में सीनियर एंड मेरी माँ ने मिलकर, क्योंकि बचपन से पापा नहीं है, पापा की डेथ हो गई थी, ऐसे माँ ही मुझे सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने मिलकर मुझे एक प्राइवेट फिजियोथेरेपी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो वहाँ पे मेरा बहुत सारा इलाज चला कंटिन्यू। उस हॉस्पिटल में ही सरोज के साथ मेरा मुलाकात हुई थी। हाँ जी सरोज जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि आप दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत कैसे हुई? फर्स्ट मेरा मुलाकात हुआ था 2016 में, अब वो हॉस्पिटल में मुलाकात हुआ था। उस टाइम मेरा एक मेरा दोस्त था लेडी नर्स, वो रानी से मुझे मुलाकात उस टाइम मुलाकात किया था। उस टाइम मेरे जो रानी का जो हालत था बहुत बुरी था, मतलब बहुत बुरा हाल था। अभी जो है वो उसका भी उसी से भी बहुत बुरा था। वेट था 100 90 100 ऐसे था उस टाइम। और रानी का उस टाइम वो उसका फाइनेंशियल और मेंटली सपोर्ट किस, मैंने उनका घर के तरफ से कुछ भी नहीं था, कोई भी किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं था। पहले उस टाइम बहुत घर का रेंट भी नहीं दे पा रहे थे, उनका जो हॉस्पिटल जो जो रूम में रुके थे कुछ सामान वामान लाने के लिए जो एक कमीशन लेते हैं, जो वो लड़का वो भी वो 100 रुपये लेके जा, मैंने एक चीज का 50 रुपया है वो उनका 10 20 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। जैसे ऐसे कंडीशन इतना बुरा था वो आपको, मैंने ये टाइम उनको पता था। लेकिन उस टाइम मेरा रानी के साथ वो ऐसे भी दोस्ती और ऐसे भी रिलेशन स्ट्रांग नहीं हुआ था। धीरे धीरे मैं उनका उनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग, मैंने जैसे क्या उनके साथ मिला, ये दोनों का जब रिलेशन स्ट्रांग हुआ उसको बाद हम धीरे धीरे उनका मेंटली और हॉस्पिटल का खर्चा, हॉस्पिटल का दवाई, उनका फाइनेंशियल थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से जितना हो पाया मैं उतना उनको हेल्प किया मेरी तरफ से। एक्चुअली जब सरोज के साथ मेरा मुलाकात होती, उन्होंने एक इनोसेंट अट्रैक्ट होकर मेरे मुझे सपोर्ट किया, मेरी माँ को सपोर्ट किया, तो एक फ्रेंड की तरह मेरी मेंटली मुझे, क्योंकि मुझे सबसे जरूरत थी एक पेशेंट को ना होता है जितना दवाई से असर नहीं होता है, अगर उसको इतना मेंटली सपोर्ट करेगी तो उसका तबीयत ठीक हो जाता है। तो सरोज ने उस तरह से मेरा साथ दिया, तो हम दोनों की एक फ्रेंडशिप बॉन्ड मतलब स्ट्रांग हो गई, 2 साल कंटिन्यू फ्रेंडशिप रही। जब मैं 2016 में दिल्ली में काम करने के लिए दिल्ली आई ओडिशा से अक्षम फाउंडेशन एनजीओ में सिरोज में, तो उस टाइम जब ओडिशा से दूर आई तो सरोज को वो डिस्टेंस जो फील हुआ कि सरोज उस टाइम ओडिशा में थे, तो उनको लगा कि नहीं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे 14 जनवरी को 2016 में प्रपोज किया था, बट मैंने हाँ नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम ब्लाइंड थी, तो किसी की बीवी किसी की बहू बनना इतना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके लिए कुछ कर्तव्य करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि जब मेरा आंख ठीक हो जाएगा तब मैं डिसाइड करूंगी, रिलेशन को आगे लूंगी, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत प्यार आ गई थी
उस इंसान का जिस इंसान ने मुझे इतना साथ दिया अब तक। तो ऐसे ही मेरा आंख भी ऑपरेशन हुआ 2017 में, आई ट्रांसपेरेंट हुआ तो मुझे दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, मैं अपना काम करने लगी। तो हम दोनों की केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग इतने स्ट्रांग थी कि रिलेशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। 2018 14 फरवरी को हमने सिरोज हैंगआउट कैफे लखनऊ में एंगेजमेंट किया था। अब उसका शादी होने वाला है हम दोनों का अप्रैल में। सरोज, घर वालों को मनाने में आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रानी से शादी करने के लिए, और आपने कब फैसला किया कि आपको उनसे शादी ही करनी है? घर वाले आज तक तो अभी तक वो मुझे मना रहा हूँ। मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ लेकिन वो नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि ये तो लॉन्ग टाइम, ये लाइफ टाइम चलेगा मुझे लग रहा है। क्योंकि ना आज का सिचुएशन में मैं मेरा पापा को तो बहुत समझ गए, मम्मी को, वो जितना मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, उनका जितना पास में जितना आदमी है और मेरा रिलेटिव आदमी, हाँ ये वो लड़की ये ऐसा कर दिया, कुछ कर दिया, ये हो गया, ये सब बोल बोल के उनका नेगेटिव कर दिया है। पर उस टाइम जब मेरा एंगेजमेंट हुआ लखनऊ में, उस टाइम में मुझे बहुत प्रॉमिस करके, बहुत रिक्वेस्ट करके उनको मैंने लाना पड़ा। उस टाइम एंगेजमेंट में वो हमारा फैमिली पूरा आए थे, अटेंड किए। अभी तक थोड़ा थोड़ा मैं आगे से कुछ उनको पॉजिटिव करके रखा हूँ। अभी प्लान कर रहे हैं अप्रैल महीने में शादी करने के लिए। हो बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब शुरू से जब उन लोगों को पता, उनकी फैमिली फ्रेंड्स को तो पता चला तो उन्होंने पूरा अग्नेश पे चले गए। कोई भी फ्रेंड बातचीत नहीं किया कि बोला अगर उस लड़की को साथ देगी तो हम लोग को तेरे से रिलेशन काट लेंगे फ्रेंडशिप। तो सही हुआ था सिमिलर। तो उसके फैमिली वालों ने, जब सरोज के फैमिली वालों को पता चला तब बहुत झगड़ा झंटी उसके घर में, उनके घर में, सॉरी उनके घर में बहुत झगड़ा झंटी हुई थी। तो बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन ऐसा था कि ना मैं भी सर्वाइवर के लिए ओडिशा में काम कर रही हूँ, तो हम लोगों की जो सोच है सोशल कर्ज के लिए है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले हमारी फैमिली मेंटेलिटी को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर फैमिली मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर पाएंगे तो सोसाइटी में काम करके क्या फायदा। तो हमने स्लोली स्लोली, इसलिए 2018 में एंगेजमेंट करके इसलिए 2 साल रुक के हर काम में फोकस करने लगे, शायद फैमिली समझ जाएंगे। क्योंकि जो सोसाइटी होता है ना, उन फैमिली को बहुत सारा कुछ बोल देता है, तो वो पूरी फिर वही पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मतलब उनकी मेंटालिटी पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि उनका सोचना ही सही है, क्योंकि मतलब हमारी सोसाइटी उस तरह से चली आई है, ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम लोग उनको दोस्त नहीं मानते, बस पॉजिटिवली उनकी थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे चेंज कराते हैं। आपका जीवन रानी के आपकी लाइफ में आने के बाद, आपकी लाइफ कैसे बदली है? मेरा लाइफ तो मुझे लग मैं मुझे सोच मैंने मैं कभी भी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मुझे भी प्लान ऐसे मैं सोचा नहीं था मैं इस रास्ते में जाऊंगा। मेरा तो अलग ड्रीम था, मैं ये पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, कुछ अच्छा नौकरी करूंगा, घर लोगों का जितना इच्छा है उनको फुलफिल करना है। लेकिन मुझे भी ये पता नहीं था मेरा रास्ता अलग तरफ से हो जाएगा। क्योंकि ना मेरी दोस्त वगैरह भी है, उनका भी लाइफ टाइम, उनका स्टाइल जैसे नॉर्मली चल रहा है, मेरा लाइफ टाइम अलग जैसा चल रहा है, यूनिक चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ ऐसे कुछ अलग होगा। हाँ खुशी तो है, हम दोनों अभी तो खुशी है, और जो हमारे साथ जो जुड़ी हो रहे हैं उनको तो खुशी कर रहे हैं, घर लोगों का खुशी कर। क्योंकि ना मैं हम लोग अभी बाहर का जो अभी सर्वाइवर का उड़ीसा सर्वाइवर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए कि हमारा घर लोगों को पहले हम पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद उन लोगों का हम आजमाएंगे, और उन लोगों का कैसे उनका घर वालों को भी समझना पड़ेगा, उन लोग घर लोगों का पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्यों ना ये सिचुएशन सब घर घर में हो रहा है। क्यों ना हम ये कॉज, हम एक ही कॉज में काम कर रहे हैं, और दूसरी भी कॉज भी में काम कर रहे हैं, कोई रानी गुड टच बैड टच में काम कर रहे हैं, किसी के घर में प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ हम दोनों जाके हमारी एग्जाम्पल दे के और कुछ एग्जाम्पल उनको दे के उनको भी पॉजिटिव कर रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस मत करो, ये भी है, ये उनको ये भी सब काम कर रहे हैं। ओके, सरोज के आने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है रानी? और इस वैलेंटाइन डे आप अपने व्यूअर्स को, आप दोनों हमारे जो व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैं तो पहले मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी को, पहले भी उसमें तो वही तो उन लोगों को मिलके सोसाइटी बनाते हैं, मतलब परिवार उनको ही बोला जाता है। जब किसी के साथ कुछ हो जाता है प्लीज उसको मेंटली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि क्राइम और प्रॉब्लम का किसके लाइफ में आएगा वो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। आज मेरे साथ हुआ, आज कल किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अपना समझ के सपोर्ट कीजिए। जैसे सरोज मेरी लाइफ में एक फ्रेंड की तरह मुझे सपोर्ट कर
करने के लिए, क्योंकि उनको पहले मेरे बारे में पता नहीं था। एक फ्रेंड की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो आप एक फ्रेंड की तरह कोई भी किसी की शिकार हो, जो लड़की हो लड़का, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि हाँ, मतलब हम लोगों को हमारे अंदर ही परिवर्तन लाना है जब हमारे समाज में कुछ हो पाएगा। जब हम खुद परिवर्तन नहीं होंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चियां पैदा हो रहे हैं कि आगे बढ़े, उनको हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। और लव की बात बताऊं कि क्योंकि लव मतलब प्यार एक पवित्र रिश्ता है, तो उनको अच्छे से निभाए। किसी के चेहरे को ना देख के प्यार करे, किसी के मन को देख के प्यार करे, और मतलब रिलेशन को स्ट्रांग रखे, आपस में झगड़ा ना करे, और रिलेशन को आगे बढ़ाए। कभी नहीं होता है, मतलब ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि किसी को ट्रस्ट भी नहीं होता है जब मैं ये बोलती हूँ। क्योंकि हम दोनों को रिलेशन को 4 साल हो गया, फ्रेंडशिप को 6 साल, बट हम दोनों के बीच ऐसा नहीं कि छोटा मोटा नहीं होता है। जैसे कुछ चीज को लेकर, जैसे खाने पीने को लेकर, मैं गोलगप्पा खाने पसंद करती हूँ, वो मुझे डांटे क्योंकि ये अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे बातों में हो जाता है। लेकिन जो सिवियर झगड़ा आता है, जो लोग गिल्टी फील करते हैं कि नहीं मैंने लव करके बहुत बड़ा गलती किया, ऐसा कभी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतना मैच्योर है, इतना अच्छा है, मैंने लाइफ में सोचा नहीं था मेरे लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर मिलेगा। और उनको उनको भी वही सेम रियलाइज होता है। अगर विपक अटक से पहले मेरे मैरिज होती किसी लड़के के साथ, मैं शायद ऐसा हस्बैंड कभी नहीं पाती। वो मेरे हस्बैंड कम और फ्रेंड ज्यादा है, और वो मुझे हमेशा फ्रेंड की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। देखो आज के जमाने में जो प्यार करते हैं ना, वो सुंदरता, जैसे ब्यूटी क्यों देख के प्यार करते हैं, खूबसूरत क्यों देखते प्यार करते हैं, उनको वो लड़की के पास कितना पैसा है ये भी देख के प्यार करते हैं, लेकिन उनका मन को देखे, जैसे उनका हार्ट को देखे कोई फेर फैर उनका, जैसे एक लड़की जब लड़का को लव करता है, फीलिंग्स अपने अंदर वो फीलिंग्स नहीं देखते हैं, वो देखते हैं अभी का ब्यूटी और उनका जो चलता है अभी मार्केट में। लेकिन ये सब होके जैसे रिलेशन आगे जो बढ़ता है ना, ये कुछ मिनट 10 माने कुछ मिनट के लिए वो उनका लव है, लेकिन लॉन्ग टाइम में नहीं होता है। उनका वो क्राइम हो जाता है, कोई उनको जला देता है, कोई उनको छोड़ देता है, वो जाता है इधर भागता है उधर भागता है, ये सब तकलीफ। ऐसे इसको लव नहीं कहते हैं, लव कहते हैं क्यों, दोनों का अंडरस्टैंडिंग जब मिलता है ना, वो रिलेशन स्ट्रांग होता है। मेरा ये बोले ये जो दो प्रेमी जब मिलते हैं ना, वो बोलते हैं ना क्या, दो आत्मा का मिलन है,